नमस्कार, रमाश्री की डिलीशियस रेसिपी में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे का पापड़। सभी पापड़ों की तरह ये भी टेस्टी और क्रिस्पी होता है, आप इसे ज़रूर बनाइए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए बनाते हैं गेहूँ के आटे का पापड़। बनाने के लिए हमने लिया है गेहूँ का आटा, एक कप, आधा छोटा चम्मच जीरा, दो पिंच बेकिंग सोडा, एक चौथाई चम्मच काली मिर्च हमने क्रश करके रखा है, एक चम्मच रिफाइंड ऑयल, 10 से 15 करी पत्ते हमने छोटे टुकड़े में काट कर रखे हैं, आप इसकी जगह हरी धनिया को भी काट कर और इसके अंदर डाल सकते हैं, पानी आवश्यकता अनुसार। और सबसे पहले हम इसका घोल तैयार करेंगे। और आटे के अंदर हम बेकिंग सोडा को डालेंगे, आप इसके अंदर मीठा सोडा या पापड़ खार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको डालने से पापड़ हमारा क्रिस्पी हो जाता है। और इसके अंदर जीरा डालेंगे, करी पत्ते डाल देंगे, काली मिर्च और इसके अंदर नमक डालेंगे, एक चौथाई चम्मच नमक इसके अंदर हम डाल देंगे। और इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। और इसके अंदर हम पानी डालेंगे और इसका घोल तैयार करेंगे। इसे मिलाते हुए जिस तरीके से हम ढोकले के लिए बैटर तैयार करते हैं, हमें उसी तरीके से इसे तैयार करना है घोल करके। मैंने आटे का घोल तैयार कर लिया है और इसे अच्छी तरीके से फेंट लिया है ताकि इसमें लम्स ना रह जाए बिल्कुल। और इसे हम स्टीम करेंगे। स्टीम करने के लिए मैंने एक प्लेट लिया है और इसके अंदर रिफाइंड ऑयल को अच्छी तरीके से लगा देंगे। और हमने गैस पर स्टीमर को रख दिया है और इसके अंदर मैंने दो गिलास पानी डाल दिया है। इसे हम प्लेट को इसके अंदर डाल देंगे और इसे हल्का सा गर्म होने देंगे। आप स्टीमर की जगह किसी बड़े बर्तन में या कढ़ाई में भी इसे स्टीम कर सकते हैं। कढ़ाई में पानी डालने के बाद उसमें एक कटोरी रख करके और प्लेट में अपने बैटर को भर करके और ढक्कन से ढक करके 10 मिनट हम इसे पका करके और अपने बैटर को स्टीम कर सकते हैं। अभी इसके अंदर हमने घोल को इसके अंदर डाल देंगे जो हमने आटे का घोल बनाकर तैयार किया है, इसके अंदर इसको डाल देंगे और गैस को मैंने ऑन कर दिया है। इस पर हम ढक्कन लगा देंगे और इसे 10 मिनट के लिए पकने देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, अब अपने बैटर को चेक करेंगे और इसे हम एक फोर्क की मदद से इस तरीके से चेक करेंगे। और देखिए फोर्क में बिल्कुल भी आटा नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये अच्छी तरीके से पक चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। मैंने आटे को बाहर निकाल लिया है स्टीमर से और इसे हम इस तरीके से निकाल लेंगे। देखिए बिल्कुल ढोकले की तरह अच्छे से जम गया है। इसे हमें ठंडा करना है और चम्मच से हम इसे इस तरीके से मिला देंगे। मैंने आटे को अच्छी तरीके से मैश कर लिया है ताकि इसमें कहीं लम्स ना रह जाए और इसे हमें हल्का गर्म ही पापड़ को बनाना है। हल्का सा तेल हाथ में लगाएंगे और इसकी छोटी छोटी इस तरीके से गोलियां बना करके और रख लेंगे। देखिए मैंने आटे की गोलियां बना ली हैं और पापड़ बनाना शुरू करते हैं। हम एक चकले पे एक पॉलिथीन सीट लेंगे इसलिए छोटी सी और इसके अंदर ऑयल को लगा लेंगे और इस तरीके से
आटे को लेकर हम दबा देंगे और इसके ऊपर रखेंगे और इसे हम इस तरीके से हाथों से बढ़ा लेंगे, उंगली और अंगूठे की मदद से इसे हम बढ़ा करके बड़ी साइज में या छोटी साइज में अपने मन पसंद आकार में हम पापड़ बनाएंगे। देखिए हमने बढ़ा करके पापड़ इसका बना लिया है और हम इसे सूखने के लिए डालेंगे। इस तरीके से हम खोलेंगे और एक बड़ी पॉलीथीन सीट हम लेंगे जो हमें धूप में रखना है और इसके ऊपर पापड़ को डाल देंगे। सावधानी से इस तरीके से चिपका करके और पॉलीथीन को निकाल लेना है और इस पे हम दूसरा पापड़ बनाएंगे। इस पे रख करके इसे हम ढक देंगे और इस पापड़ को हम एक प्लेट लेंगे और प्लेट से दबा करके बनाएंगे। प्लेट हो या कोई वजन चीज हो जिसे आप दबा करके और पापड़ को बढ़ा सकते हैं वो ले लीजिए और इसे इसी तरीके से चारों तरफ दबा देना है। देखिए ये भी पापड़ हमारा बनकर तैयार हो गया है और इसे भी हम निकाल करके और पॉलीथीन सीट पर डाल देंगे। इस तरीके से और इस पापड़ को हम बेलन से बेल कर भी बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से आटे को पॉलीथीन सीट पर इस तरीके से रखेंगे और इसे हम दबा देंगे। दबाने के बाद हम बेलन से इस तरीके से पॉलीथीन को हटाते हुए खिसकाते हुए हम बेल करके और बड़ा कर सकते हैं। इसे हमें चारों तरफ से बेलना है और ये देखिए ये पापड़ हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसे भी हम सूखने के लिए डाल देंगे। और हम पापड़ को मशीन में बनाएंगे। इस तरीके से मशीन अगर पापड़ बनाने वाली आपके पास है तो इसमें भी हम पापड़ आसानी से बना सकते हैं। इसी तरीके से पॉलीथीन पर हम आटे की गोली को रखेंगे और इसे बंद कर देंगे और फिर इसे बंद करके हम हल्के से इसे दबा देंगे। ये देखिए पापड़ हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसे भी हम निकाल करके और सूखने के लिए डाल देंगे। इस तरीके से मैंने चार ढंग के पापड़ आपको बनाना बताया। आपको जो सूटेबल लगे आप उस तरीके से पापड़ को बनाइए और हम इसी तरीके से सारे पापड़ को बना लेंगे। इस तरीके से सारे पापड़ को बनाकर और इसे कड़क धूप में 6 से 7 घंटे सुखा लीजिए। अगर दूसरी साइड में वो गीला हो तो उसे पलट कर दूसरे दिन फिर से सुखा लीजिए और इसे एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख दीजिए और जब आपको खाना हो गर्मा गर्म इसे गर्म तेल में तलिए और ये खाने में बहुत क्रिस्पी और टेस्टी होता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने व्यू हमें ज़रूर दीजिए। फिर एक नई रेसिपी के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।